हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये मेनली जो है नेशनल कमीशन और कमिटीज़ जो भी हैं एजुकेशन पे, और इनसे रिलेटेड जो है हमारे जो भी कमीशन है उनसे रिलेटेड जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साइंटिफिक फीचर, इनके क्या क्या नेम हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, एंड तक देखें वीडियो। और मेनली ये मैंने दोनों मीडियम में बनाई है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, क्योंकि कुछ एक फ्रेंड्स का ये मैसेज आता है कि मैम हिंदी में भी बनाइए, तो आज मैंने दोनों मीडियम में ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपके इससे अपने चैनल पर जीके की वीडियो, कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन होती है वो, करंट अफेयर और प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाले हैं, तो आप वहाँ से ही देख सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इंडियन नेशनल कमीशन में बहुत सारे जो हैं ये हैं, इन्होंने नेशनल कमीशन है बहुत सारे, और कमिटीज़ हैं एजुकेशन पे अलग अलग हैं, तो उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम है, हर एक का अलग सा काम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है लॉर्ड मकॉली मिंट था, मकॉली का आयोग है ये 1835 में आया है, 1835 में मकॉले मिंट आया है, या मकॉले आयोग भी बोलते हैं इसको, लॉर्ड मैकाले आयोग। तो ये 1835 में आया है। इसने जो है मेली इंग्लिश पे हमारे फोर्स किया था कि इंग्लिश जो है वो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, देन अरेबिक एंड संस्कृत। तो इन्होंने मेली इंग्लिश पे फोकस किया है। तो इंडिया में जो भी इंग्लिश में जो शुरू हुआ है वो इनकी वजह से ही शुरू हुआ है, लॉर्ड मैकाले मिंट 1835 में आया है। तो ये पूछ भी लेते हैं कि इंडिया में इंग्लिश जो है सिस्टम किसने शुरू किया था, तो मैकाले मिंट। नेक्स्ट है बुड डिस्पैच। बुड डिस्पैच जो है 1854 में आया हुआ है, और मेनली जो है इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, हु इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये बुड डिस्पैच है जिसको, जो 1854 में आया है। अब मैग्ना कार्टा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मेनली एजुकेशन सिस्टम है उसका नींव रखी है, एक आधार रखा है एजुकेशनल सिस्टम का। और इन्होंने तीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी स्थापना की है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने आवाज़ उठाई थी, मेनली इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, उसकी जो है इन्होंने उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। नो थर्ड है हमारे पास मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन जो है 1952 या 53 में आया है, और इसको हम मेनली सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि मुदलियार कमीशन को क्या बोलते हैं, और या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का दूसरा क्या नाम है, तो वो मुदलियार कमीशन है जो 1952 या 53 में आया हुआ है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोठारी कमीशन, जो 1964 या 1966 में आया है। इसमें मेनली थ्री लैंग्वेज फार्मूला वगैरह इन्होंने मेन जो है उस पर काम किया हुआ है, कोठारी कमीशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ मैं अभी तो जो ये वीडियो बनाई है इसमें मैं सिर्फ आपको अभी ये बाय नेम और इनके कब इनकी कब आए हैं वही बता रही हूँ। उसके बाद जो है मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें इसका पूरा, जैसे हंटर कमीशन है उसमें पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था हंटर कमीशन में। तो फोर्थ वन है हमारे पास हंटर कमीशन। ये मेनली जो है लॉर्ड रिपन जो है इसके चेयरमैन थे, लॉर्ड रिपन जो है इसके संस्थापक थे, और इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये है हमारे पास हंटर कमीशन। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो 1986 में आया है,
और इसमें मेनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कोठारी कमीशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये कोठारी कमीशन ने दिया है या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दिया है। तो ये 1986 में दिया गया है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो है 1961 में जो है आई है। तो इनके ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ सकते हैं कि ये ऑटोनोमस है, स्टेचुरी है, ये कौन सी बॉडी है। तो आपने याद रखना है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ ऑटोनोमस क्या होते हैं, एक और कर लेते हैं पहले। इसमें है स्टेट, सॉरी, ये है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 1981 में आया है। ये भी हमारे पास ऑटोनॉमस बॉडी है। NCERT और SCERT दोनों जो हैं ऑटोनॉमस बॉडी हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग बॉडी, मतलब ये खुद ही बनाई गई है और ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये बॉडी। मतलब ये अपने तरीके से ही काम करते हैं, अपने लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बॉडी, इसलिए इनको ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है ये ऑप्शन आए, आप पूछ सकते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा जो है 1987 और 1988 में आया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है मिड डे मील। इनका मेनली जो है ये पूछा जाता है कि ये किस ईयर में आए हैं। तो ये नाम आपको लर्न करने हैं, नेम विद ईयर। तो मिड डे मील जो है दोपहर का भोजन, जो मध्याह्न भोजन जो देते हैं हम, वो 1995 में आया हुआ है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में आया है, 2000 में। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन जो है मेनली इसका पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में आया था, बट ये कम इनटू फोर्स, मतलब जब पूरी तरह से लागू हुआ है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। और इसमें जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों को। तो राइट टू एजुकेशन ये 2009 में आया है। एक और है ये RTI, वो RTE था, ये RTI है, RTE, ये RTI है। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो ना, वो राइट टू एजुकेशन है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में आया है, और ये पार्लियामेंट में मेनली 2005 में ही आया है, और पार्लियामेंट में पास हुआ था ये 15 जून 2005 को, बट जो पूरी तरह से लागू हुआ था वो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि कई बार राइट टू एजुकेशन या राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है पूछ लेते हैं, तो कब हुए थे ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NCF, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में पास हुआ था। इसका मेनली ये होता है, ये NCERT में जितने भी सिलेबस की सेटिंग है और ये फ्रेमवर्क तैयार करना होता है, उसका मेन कार्य यही होता है NCERT, कि किस तरह का हम सिलेबस जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाएं ताकि वो फुली ग्रोथ करें। नेक्स्ट है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1985 में आया है। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, जिनके जो है मेनली नेम पूछे जाते हैं या फिर किस ईयर में आए हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो इंग्लिश मीडियम में था, अब मैं हिंदी मीडियम में भी दिखा दूँ, जो मेरे फ्रेंड्स तो हिंदी मीडियम में देखना चाहते थे। तो फ्रेंड्स लॉर्ड मैकॉले जो है 1835 में आया है, बुड घोषणा पत्र 1854 में आया है, और इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे भारतीय संविधान, सॉरी भारतीय जो हमारी शिक्षा है उसकी मेनली नींव रखी है, और इन्होंने तीन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संस्थापना की थी, जैसे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो इसलिए इसको बुड घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुदलियार आयोग, जो 1953 में आया है, और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली पूछा जाता है मुदलियार आयोग का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन, जो हमारा 1964 या 66 में आया हुआ है, और हंटर कमीशन है नेक्स्ट।
1882 में आया है। इसको भारतीय शिक्षा नीति आयोग भी बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर कमीशन जो है इनका, मेले जो संस्थापक थे, जो चेयरमैन थे, वो लॉर्ड रिपन जी थे। तो इसको जो है ये हंटर कमीशन जो उन्होंने दिया था, और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी बोलते हैं। ये 1986 में आई है, और इन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो दिया है, तीन भाषीय फार्मूला वो दी है इन्होंने 1986 में। नेक्स्ट है NCERT, ये है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये 1961 में आया है। नेक्स्ट है हमारे पास SCERT, ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये 1981 में आया है। और जो NCERT और SCERT है, दोनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं, मतलब कि ये दोनों किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इनका अपना ही एक अलग लॉ होता है, तो ये किसी पे डिपेंड होके काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986, 1987 और 1988 में आया है। मध्याह्न भोजन आयोग योजना, मिड डे मील भी बोलते हैं इसको, 1995 में आया है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में आया है। शिक्षा अधिकार नियम, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया है, बट मेनली जो लागू हुआ है वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। और इसमें जो है जो मुफ्त शिक्षा जो है दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 में आया है। तो इसका मेनली काम ये होता है कि जो सिलेबस है हमारा, जो बुक्स हैं, उसको किस तरह से सेटिंग की जाए जिसके कि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसमें क्यूरिकुलम में मेनली चेंज करती है ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा रूपरेखा। नेक्स्ट है हमारे पास इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये 1985 में जो है इसकी संस्थापना हुई थी। तो ये मेनली क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इनको एक बार ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, क्योंकि कमीशन के नाम और जो इनकी डेट्स हैं वो मेनली पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, और प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।